छोटा सा सूक्ष्म उपाय लेके आया हूँ, शोधन से छुटकारा पाने के लिए, मनचाहा प्यार पाने के लिए एक छोटा सा प्रभावशाली उपाय है। इससे करने से आपको आवश्यक ही जल्द से जल्द लाभ प्राप्त होगा। और मैं सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे चैनल को, उतनी मैं आपके सामने छोटे छोटे उपाय लेते आता रहूँगा, जिसमें आपको समय कम में ही आपको प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। और उसमें कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा, और नाम मात्र ही उसमें खर्चा होगा जो मैं आपके सामने छोटे छोटे उपाय लेके आऊँगा। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है, बेटी है मेरी, धर्म की बेटी है, दरबार से जुड़ी हुई है बेटी, तो करनाल से बेटी, तो उसने बार बार पूछा है, तो स्पेशल आज मैंने समय निकाल के उस बेटी के लिए वीडियो बनाई है। और इस वीडियो को जो भी दरबार से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं कर रखा है, इस उपाय को सभी कर सकते हैं। ये नहीं कि जो दरबार में आए हुए हैं उन्हीं को ही इसका प्रभाव दिखेगा, इसका प्रभाव कोई भी व्यक्ति कर सकता है और ये सभी के लिए प्रभावशाली उपाय होगा। इसका मेन मोटो है, जो आदमी गलत चला हुआ है सोतन से छुटकारा पाने के लिए, और जो लेडी गलत चली हुई है वो आदमी इस उपाय को कर सकता है। जिसका प्यार खुआ हुआ है और वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही उसके पास आने की कोशिश कर रहा है, तो इस उपाय को सभी कर सकते हैं। लेकिन जो आपके हित में हो ये उसी के लिए करे, अनहित के लिए ना करे। आप इसको व्यर्थ में फ़ायदा ना उठाए, अगर आप इसका व्यर्थ में फ़ायदा उठाएंगे तो ये आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ सामग्री आपको क्या लेनी है, कैसे आपको कर्म करना है। शनिवार के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे और पीपल के वृक्ष के पास जाएंगे और उनसे क्षमा याचना करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि हे पीपल महाराज, हमें आपके वृक्ष के दो पत्ते चाहिए। जो सूखे हुए पत्ते होंगे वो दो पत्ते लेंगे, उनसे प्रार्थना करके वो पत्ते तोड़ेंगे, फिर उनसे क्षमा याचना आप करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पत्ता तोड़ोगे दो, एक पत्ते पे आपको काली स्याही से या काजल से आप उस पे जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं आप उसका नाम लिख दे, और उसको पीपल की जड़ों के पे ही एक भारी सा पत्थर रख के उसको रख जाए। दूसरा पत्ता आप घर लेके आए, उस पत्ते पे आप लाल सिंदूर से उस पे उसका नाम लिख दे, और उसको अपने घर में भी कहीं भी स्थान पे उल्टा करके उस पत्ते को उसके ऊपर फिर वजन रख दे। ये अमावस्या से शुरू करना है और ये पूर्णमासी तक चलेगा। इसका प्रभाव अमावस्या से शुरू हो जाएगा और पूर्णमासी के उपरांत में आप इसका अनुभव देखना शुरू कर दोगे। तो घर रखने के पश्चात उसको उल्टे पे पत्थर रख देंगे, और लगातार आपको पूर्णिमा तक, 16 दिन का गैप होता है अमावस्या और पूर्णिमा में, तो आप जैसे ही दरबार में जाएंगे आपको पीपल के वृक्ष पे जाना है और लगातार 16 दिन तक उनकी जड़ों में आपको जल देना है। और वहाँ आपको 1 या 2 मिनट, 3 मिनट आपको वहाँ प्रार्थना कर ली है, उनसे आग्रह करना है कि जो मेरा प्यार है, जो शोधन से छुटकारा चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करें, जिसको अपने प्यार के लिए प्रार्थना करें वो प्रार्थना करें, तो आपको जल्द से जल्द इसका प्रभाव दिखेगा। इसका प्रभाव आपको उसी के उपरांत में बीच में दिखना शुरू हो जाएगा, जिसके संबंध टूटे हुए थे वे दोबारा अपने कनेक्शन में, संबंध में आ जाएंगे। और इसको उपाय को आप पूरे श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ करेंगे तो 110% मैं बोलता हूँ एक प्रभावशाली सूक्ष्म उपाय है, और इसे करने से आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी तरह से खुश हो जाएगी। क्योंकि ऐसी परिस्थिति आती है हमारे जो गृहस्थ आश्रम में, कि काफ़ी माताएं बहनें उसको खुल के बोल नहीं सकती। ये उपाय छोटा सा है, और एक छोटा सा सूक्ष्म उपाय करने के पश्चात आप खुद देख लेना आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाए, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार मिलेगा। ऐसे ही मैं आपके सामने लॉकडाउन तक छोटे छोटे उपाय लेता आता रहूँगा, जो कॉस्टली भी नहीं होंगे और प्रभावशाली भी होंगे। जय माता दी, जय कारा सतगुरुदेव गोरक्षनाथ जी महाराज का, बोलो साचे दरबार की।